हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है कौन यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज, जिसका एपिसोड नंबर 21 है। और आज के एपिसोड में हम देखो हमने वर्ल्ड को थोड़ा डेकोरेशन करने वाले हैं। और देखो यहाँ पर हमारे काफी सारे चेस्ट ऐसे ही पड़े रहते हैं बाहर, और सभी को हमको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना है। और देखो हम बीकन को रखने के लिए एक जगह भी बनानी है। और बेसिकली देखो आज के वीडियो में हमको पूरा अपना वर्ल्ड को डेकोरेशन करना है जितना हो पाएंगे उतना। और अभी तक देखो मैंने कुछ सोचा नहीं है मैं कैसे सारी चीजें करने वाला हूँ, और सिर्फ देखो एक चीज मैंने सोची है। देखो यहाँ पे हमारा डायमंड बीकन है, उसको हटा के यहाँ पे कहीं पर हमको एक विंड मिल लगा है, और उसके आसपास देखो हमको थोड़ी वीट भी लगानी है। और देखो अभी तक मैंने इतना ही सोच, और उसके बाद देखो अपने आप आइडिया आते ही जाएंगे। देखो सबसे पहले तो वही कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, विंड मिल बनाने का काम, उसके बाद कुछ दूसरा देखेंगे। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो भी फार्म थे ना, उसमें मैंने अपना स्टोरेज सिस्टम को थोड़ा बढ़ा दिया, आप देख सकते हो सभी फार्म में नीचे तक कर दिया। हमारे यहाँ पे ऊपर बचे थे ना वही वाले पिछले वीडियो में। और देखो ये सारी चीजों को हमको फिक्स करना है आज की वीडियो में। और देखो पिछले वीडियो में मैंने बताया नहीं था ये कितना काम कर रहा है, और देखो अभी तक मैंने कोई एक भी बार एफ के नहीं किया। और देखो ये कितना सारा आ चुका है इसमें, और देखो इस चेस्ट में भी काफी ज्यादा आ चुका है। ओके सभी देखो मैं अभी विंड मिल बनाने की सारी तैयारी करता हूँ, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। और फाइनल गाइस मैंने सारा सामान कलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आप देख सकते हो। और देखो हमको इतना सारा सामान नहीं चाहिए, और तो मैंने ऐसे रख दिया इसमें। और देखो मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ विंड मिल इस जगह पे। यहाँ पे देखो मैंने जगह भी थोड़ी क्लीन कर दी है। ओके सभी क्या बोलता हूँ, विंड मिल बनाना स्टार्ट कर देते हो, आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए अभी। और फाइनल गाइस हमारी विंड मिल रेडी हो चुकी है, और अभी देखो विंड मिल जैसे लग तो रही है मुझे। और आप कमेंट करके बताना आपको ये विंड मिल लग रही है कुछ दूसरा लग रहा है। और बाय द वे आपको बताओ, देखो इस विंड मिल ओरिजिनल जिसने बनाई थी ना, उसका आपको वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते। और यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ, मैंने स्प्रूस वुड की यहाँ पे फेंस लगाई थी, और अभी उसको चेंज करके मैंने यहाँ पे ओक वुड की लगा दी है, क्योंकि स्प्रूस वुड की देख भी नहीं रही थी यहाँ पे, इसलिए मैंने। और अभी देखो यहाँ पे नीचे लगा नहीं रह गई, वापस लगा देते हैं इसको। और देखो आपको यहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है ना आसपास, उसमें मैं वीट लगाने वाला कुछ इस तरह से, क्योंकि देखो यार डेकोरेशन में काफी अच्छे लगेंगे। ओके उसके लिए सबसे पहले मैं वीट कलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ अभी मेरे पास कितने वीट है, और वरना कम हो गए तो वापस मैं बोन मिल्क की मदद से उगा दूंगा। ओके अभी सबसे पहले वो लगा देता हूँ, तो उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ, तब तक आप टाइमलेस को एंजॉय कीजिए। और फाइनल गाइस हमने यहाँ पे देखो वीट लगा दिया सारे में, और यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी सी डिजाइन भी की। और अभी ये देखो ये वीट बड़े हो तो उसके बाद पता चलेगा ये अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अभी देखो ये अभी तो क्या बोलते, बहुत घटिया लग रहे हैं ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो देखो पोर्टल में जाने के लिए हमने रास्ता भी बनाया है, वो बात अलग है, मैं कभी चल के नहीं जाने वाला हूँ पोर्टल में, क्योंकि अभी हमारे पास इलाइटर आ चुकी इसलिए। और देखो यहाँ पे मैंने क्या किया अभी मुझे भी नहीं पता, मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे खाली दिखा तो मैंने सवाल मार दी, बाद में कुछ इसमें करेंगे। और देखो मैं सोच रहा हूँ इसमें भी वीट लगा दूँ वापस। ओके वो बाद में मैं कर लूंगा। और यहाँ पे देखो पीछे भी मैंने लगा दिए वीट। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमने देखो यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस भी रखी है, और यहाँ से क्या बोलते हैं पग यहाँ से साफ करके अंदर जाना, वो बात अलग है, अंदर मैंने कुछ अभी रखा नहीं है, ये से खाली है अंदर, और यहाँ में मैं कुछ करने भी वाला नहीं हूँ। ये देखो एंशिएंट डेब्रिस मेरे पास पड़ी थी, और इसलिए मैंने लगा दी यहाँ पे, एक से तो कुछ होने वाला नहीं इसलिए लगा दी। ओके सभी नेक्स्ट हमारे बीकन को भी थोड़ा डिजाइन करने वाले हैं। और देखो मैं सारे बीकन को एक साथ रख के डेकोरेशन नहीं करने वाला, सभी को अलग अलग ही रखने वाला, क्योंकि आपको बताओ देखो एक साथ रखूंगा तो अच्छी तरह से हमको पावर नहीं मिल पाएगी बीकन की इसीलिए। और देखो जो जहाँ पे ना उसको मैं वहीं पे रख के डिजाइन करने वाला हूँ, आपको बता दो अभी डिजाइन में किस तरह से करने वाला हूँ। और देखो सबसे पहले तो मैं क्या बोलते हैं पिरामिड बनाने वाला हूँ, पूरा गोल्ड का होने वाला पिरामिड, उसके ऊपर हमें बीकन रखेंगे गोल्ड का। और देखो इसी तरह हम क्या बोलते हैं हम एमरल्ड के बीकन के साथ वही करेंगे, पूरे एमरल्ड ब्लॉक का पिरामिड बनेंगे, उसके ऊपर एमरल्ड का बीकन रखेंगे। ओके सभी सबसे पहले चलते हैं हमारे नेदर में, वहीं पे जाके सबसे पहले गोल्ड कलेक्ट करते हैं हमारे गोल्ड फार्म से, और आप तब तक टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए।
और फाइनल गाइस मैंने गोल्ड कलेक्ट कर लिया और आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलमोस्ट देखो फर्स्ट टैग जितने गोल्ड है उतने से वापस एक बीकन बन जाएगा गोल्ड का। ओके सभी हमको देखो और भी थोड़ी छोटी मोटी चीजें चाहिए जैसे ब्लैक स्टोन हो चुका वो सारी। ओके उसको मैं कलेक्ट करता हूँ सबसे पहले। और फाइनल गाइस हमारा गोल्ड बीकन रेडी हो चुको और आप देख सकते हो आप कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। और इसमें देखो जितना गोल्ड हमको बीकन बनाने में नहीं लगा उससे ज्यादा गोल्ड तो ये डेकोरेशन करने में लगा। और देखो एक और बार मैं वापस से गोल्ड लेने गया था थोड़ा क्या बोलते गोल्ड कम पड़ रहा था इसीलिए। और इसीलिए देखो मैंने कॉर्नर के गोल्ड मैंने निकाल के वहां पे कोई दूसरी डिजाइन कर दी है। ओके सभी सेम इसी तरह हमको एक एमरल्ड का भी बीकन बनाना, उसके लिए सबसे पहले एमरल्ड कलेक्ट करने चलते है हमारे क्या बोलते रेड फार्म पे। ओके गाइस आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। और फाइनली गाइस अभी हमारे पास देखो एमरल्ड कलेक्ट हो चुके हैं एमरल्ड के ब्लॉक। हमको देखो एक बी नेस्ट भी मिला था और देखो मैं दूध लेने गया था ना क्या बोलते इफेक्ट हटाने के लिए तभी ये मुझे मिला था बी नेस्ट और मैंने यहाँ पे ले लिया। इसके अंदर साइड से दो मधुमक्खी भी है। ओके गाइस अभी देखो इसी तरह हमको एमरल्ड का बीकन भी बना सेम इसी तरह बनाने वाला हूं सिर्फ फर्क इतना होगा देखो हमने यहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक यूज किया उसकी जगह में एमरल्ड का ब्लॉक यूज करने वाले है। इसीलिए देखो मैं वापस से टाइम लेस नहीं बनाऊंगा अभी डायरेक्ट ये कंप्लीट करता उसके बाद ही आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूं। और देखो इसको मैं कुछ दूसरी जगह पे बनाने वाला हूं क्योंकि देखो यहाँ पे ओ भाई साहब हरामी आ गया वापस से ये। ओ भाई साहब देखो मैंने इसको कुछ किया भी नहीं है खामोखा आ गया पंगा लेने के लिए और कहीं पे भाग भी गया चल रहा फिर भी मार रहा है हमें। और देखो इसको मैं ना दूसरी जगह पे बनाने वाला क्योंकि यहाँ पे तो देखो नहीं आ पाएगा यहाँ पे जगह छोटी पड़ जाएगी इसलिए। और देखो ये फाउंटेन भी है इसलिए और ये फाउंटेन को मैं उठाना नहीं चाहता क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए अभी मैं इसको कोई दूसरी जगह पे बनाने वाला हूँ। ओके इसको कम्प्लीट करता हूँ उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। A few moments later. और फाइनली गाइस हमारा एमरल्ड का बीकन रेडी हो चुका और आप देख सकते हो मैंने सेम टू सेम गोल्ड का बीकन जैसे बने उसी तरह बनाया है। और देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ये बाहर जितनी चेस्ट है ना उसको मटा देंगे। और देखो अभी तो मैं नहीं हटाने वाला क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में क्या बोलते हैं बड़ा सा एक स्टोरेज रूम बनाने वाले हैं और ये सारा सामान डायरेक्ट उसी में हम ट्रांसफर कर देंगे इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में सारी चेस्ट हटा देंगे। ओके गाइस आज स्टोरी बस इतना। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलता हूं नेक्स्ट स्टूडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।